आप सभी लोग देख रहे होंगे दुनिया भर में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ये चर्चा का कारण बना हुआ है। और आप देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कि आखिर भारत को किसका साथ देना चाहिए, यूक्रेन का या फिर आप देखिए रसिया का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को एक तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि किसी का साथ नहीं देना चाहिए। सबसे पहले भारत की, रूस की और यूक्रेन की आप लोग मैप में अवस्थिति देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हमारी हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप लोग एशिया में जाएंगे तो आपको हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देखें हमारा श्रीलंका पड़ोसी है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऊपर चाइना हो गया, पाकिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान हो गया। ऊपर आप देखेंगे तो आपको रूस देखने को मिलेगा और आप देखिए कि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, इसकी राजधानी मॉस्को है। और यहाँ आप देखेंगे तो यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी कीव है, ठीक है। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और आप सभी को मालूम होगा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए भारत में जब भी खाद्यान्न संकट की बात कर लीजिए तब भी आपने देखा होगा कि रूस ने हमारा साथ दिया हुआ था। या फिर आप देखिए कि जब भी हमारे ऊपर जो भी समस्या आई हुई है, 1971 का युद्ध देख लीजिए, आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव था, हमारी तरफ रूस का झुकाव था। या फिर आप देखिए आधुनिक हथियार, हमारी सेना के लिए जो हथियार खरीदते हैं इसमें से भी आधे आधे से अधिक आप देखिए कि हम लोग रूस से खरीदते हैं। या फिर आप जम्मू कश्मीर वाला जो विवाद है इसको इसके पक्ष में देख लीजिए, अमेरिका इसके विपक्ष में खड़ा हुआ था और रूस आपने देखा होगा इसके पक्ष में खड़ा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से रूस ने हमारा हर समय साथ दिया हुआ है। दूसरी तरफ एक और बात आपको याद रखनी होगी, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग रूस का साथ देने लगे, क्योंकि आप देखिए अगर आगे चलकर अगर हमारे ऊपर इस तरह का कोई आक्रमण करता है तो दुनिया की हमें दुनिया के सभी देशों की शांति प्रिय जो देश है उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमें उस ओर भी ध्यान देना होगा। समझ रहे हैं आप लोग, मान लीजिए कि ऐसा ना हो और ऐसा नहीं हो यही सोचिएगा, लेकिन चाइना अगर हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है या आक्रमण करता है तो आप देखिए दुनिया में जो यूएन में सदस्य शामिल है देश उनके उनका हमें पक्ष उनकी एक तरह से आप सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें भारत एक तरह से आप देखिए कि एक ही रणनीति अपना सकता है कि बीच का रास्ता अपना सकता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग भारत और रूस के संबंधों की बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कि यूक्रेन में जो हजारों भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, आप समझ रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, तो जो यूक्रेन से भारतीयों के निकालने से संबंधित था। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष के दीर्घकालिक निहितार्थ अभी सामने आने शेष रह गए। उदाहरण के लिए एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना और दूसरी तरफ रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे एवं रणनीतिक संबंधों को बनाए रखना भारत के सामने एक चुनौती बनी हुई है। अगर हम लोग रूस का साथ छोड़ते हैं तो आप सभी जानते हैं कि चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ रूस का और ज्यादा झुकाव हो सकता है। और एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए अमेरिका एक आप कहिए कि स्वार्थी मित्र की तरह होता है। आप सभी जानते हैं कि एक समय पाकिस्तान और चाइना की तरफ अमेरिका का झुका हुआ करता था और आज देखिए कि हमारी तरफ यानी कि भारत की तरफ अमेरिका का झुकाव है। इसका कारण यही है कि क्योंकि अगर चाइना को रोकना है आगे बढ़ने से तो बिना भारत की मदद से नहीं किया जा सकता है, लेकिन रूस को कहते हैं कि एक आप कहिए कि एक विश्वासपात्र मित्र की तरह है। इसका भारत और रूस के बीच दशकों पुराने और रक्षा व्यापार पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार या भारत बड़े आप कहिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और यहां आप देख ही रहे हैं कि आपका रसिया हो गया और यूक्रेन आपने देख ही लिया है, चाइना आप देखिए यहां भारत आ जाता है। अगर भारत और रूस रक्षा संबंधों के इतिहास की बात करें तो भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने हथियारों की आयात के लिए लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर था। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है, उसके बाद की बात की जा रही है। हालांकि समय के साथ यह निर्भरता कम हो गई और 1970 के दशक के बाद आप देखेंगे भारत यूएसएसआर यानी कि जिसे आप लोग संयुक्त राज्य या एक तरह से सोवियत संघ कहते हैं ना, उसे अब आप लोग उस समय यूएसएसआर कहते थे, जिसे अब आप कहते हैं कि ये रूस कहने लगे हैं। रूस से आप देखेंगे कई हथियार प्रणालियों का आयात कर रहा था
और जिसे यह दशकों तक देश का सबसे बड़ा रक्षा आयातक बन गया था, रूस। ठीक है, रूस से हम लोग सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। रूस ने भारत को कुछ सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हथियार भी प्रदान किए हुए हैं, और आप देखेंगे जिनकी भारत को समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है। इसमें आप देखेंगे परमाणु पनडुब्बी हो गई, विमान वाहक हो गए, टैंक हो गए, बंदूकें हो गई, लड़ाकू जेट हो गए, मिसाइल शामिल है। और एक अनुमान की हम लोग एक रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय सशस्त्र बलों में रूसी मूल के हथियारों प्लेटफॉर्मों की हिस्सेदारी 85% तक है। आज आप लोग देखते हैं ना कि रक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी मजबूत तरीके से खड़े हुए हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि रूस का काफी योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी है, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई देश बेचता है तो वो है अमेरिका। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर रूस का स्थान आता है। हथियारों के हस्तांतरण के मामले में रूस के लिए भारत का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि अगर हमारी बात करें कि हम सबसे ज्यादा किस देश से हथियार खरीदते तो वो रूस है। ठीक है, और 2000 सन 2000 और वर्ष 2020 के बीच रूस भारत को हथियारों की आयात के 66.5% हिस्से के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 100% हथियार खरीदे हैं तो उसमें से केवल सबसे ज्यादा 66.5% हमने लोगों ने रूस से खरीदे हुए, आधे से अधिक। समझ रहे हैं आप लोग, 2016 और वर्ष 2020 के बीच भारत को हथियारों की आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 50% तक कम हो गई है, लेकिन यह अभी भी सबसे बड़ा एकल आयातक बना हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं हथियारों के मामले में, हम अपने देश में एक तरह से आप देखिए बना भी रहे हैं हथियार। और अगर हम लोग बात भारत और रूस से कौन से रक्षा उपकरण खरीदता है, भारत की बात हो रही है, भारत हम यानी कि भारत रूस से कौन कौन से हथियार खरीदता है, पनडुब्बियां। सबसे पहले भारत को अपने पहली पनडुब्बी भी सोवियत संघ से ही प्राप्त हुई थी, यानी कि हम लोगों ने जो पहली पनडुब्बी खरीदी हुई थी वो भी रूस से ही खरीदी हुई थी। यूएसएसआर ने से खरीदी गई पहली फॉक्स ट्रॉट क्लास पनडुब्बी ने वर्ष 1967 में INS कलवरी के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना के पास कुल 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से 8 सोवियत मूल की किलो शैली की है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आधी लगभग आप देखेंगे हम लोग रूस यानी कि सोवियत संघ से लगभग खरीदी हुई है। भारत के पास 4 में से 1 स्वदेश निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत है, हालांकि जिसे जिन्हें विकसित किया जा रहा है और उनमें से कई रूसी तकनीक पर आधारित है, यानी कि हमारे देश में भी जो पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं या जो भी हथियार बनाए जा रहे हैं उसमें आप देखिए कि आप देखेंगे रूस की भी कुछ हिस्सेदारी मानी जाती है, या रूस की आप देखिए रूस की तकनीक पर आधारित होती है। फिर आप देखेंगे फ्री गेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, नौसेना की 10 गाइडेड मिसाइल विध्वंस में से 4 रूसी कासिन सैनी के, और इसमें आप देखेंगे 17 युद्धपोतों में से 6 रूसी तलवार सैनी के शामिल हैं। फिर आप देखेंगे विमान वाहक, भारत की सीमा में एकमात्र विमान वाहक INS विक्रमादित्य एक सोवियत निर्मित क्यू सैनी का प्रोत है, जो वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। मिसाइल अगर कार्यक्रम की बात करें तो भारत का महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम रूस या सोवियत संघ की मदद से विकसित किया गया था। तो आप रक्षा के क्षेत्र में रूस का जो महत्व है हमारे लिए वो समझ सकते हैं इससे। और आप सभी को मालूम होगा भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भी शुरू करेगा, और उसे रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। लड़ाकू विमानों की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय वायुसेना का 667 विमान फाइटर ग्राउंड अटैक FGA बेड़ा 71% रूसी मूल और 39 SU-30S सुखोई 22% और MIG-21S 21S, और इसमें आप देखिए 9% MIG-29S यानी कि 29S का है। सेवा में शामिल के सभी 6 एयर टैंकर रूस निर्मित IL-78S के हैं। हथियार और गोला बारूद की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ISS के अनुसार भारत का वर्तमान सैन्य शस्त्रागार रूस द्वारा निर्मित या डिजाइन किए गए उपकरणों से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस से हम लोग कितनी अधिक संख्या में हम लोग हथियार आयात करते हैं। भारतीय सेना का मुख्य योद्धा टैंक मुख्य रूप से रूसी T-72 Mi यानी कि 66% और T-90S 30% से बना हुआ है।
भारत के लिए अनुकूल रूसी सैन्य निर्यात की बात करें तो भारत में रूस का अधिकांश प्रभाव हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने की उसकी सम्मति के कारण है, जिसे कोई अन्य देश भारत को निर्यात नहीं करेगा। अमेरिका केवल गैर घातक रक्षा तकनीक प्रदान करता है, जैसे कि C-130J सुपर हरक्यूलियस और C-13 ग्लो मास्टर P-8I पोसिडोन, ये आप हम लोग अमेरिका से आयात करते हैं। और याद रखिए, अमेरिका क्या है कि आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता है। आप देखिए कि एक तरह एक समय आपने देखा होगा कि चाइना और अमेरिका अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए चाइना जिस तरह से आगे बढ़ा है तो उसकी चिंता, अमेरिका की चिंता बढ़ने लगी। और आप देखिए, इसलिए आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर कदम उठा रहा है अमेरिका। जबकि रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल S-400, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जैसी उच्च तकनीक मुहैया कराता है। रूस भी अपेक्षाकृत आकर्षक और दरों पर उन्नत हथियारों की पेशकश जारी रखता है। और कौन? रूस की बात हो रही है। और रूस भी अपेक्षाकृत, आप समझ जा रहे हैं, सैन्य आपूर्ति पर रूस युद्ध, यूक्रेन युद्ध की अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो फिलहाल भारत और रूस के बीच दो बड़े रक्षा सौदे हैं जिन पर मौजूदा संकट का प्रभाव पड़ सकता है, टाइमिंग बढ़ सकती है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम डील, ये अभी होनी है, एक तरह से इस पर प्रभाव पड़ सकता है। यह सौदा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण खतरे में है, यहां तक कि अमेरिका भी अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। अमेरिका ने तो ये अभी मझधार में लटकी हुई है। हालांकि रूस पर नए दौर के प्रतिबंध इस सौदे को खतरे में डाल सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है रूस ने, इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तो कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं। संयुक्त पनडुब्बी के विकास की योजना, रूस चार अन्य अंतर्राष्ट्रीय बोली दाताओं के साथ प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना हेतु 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्स AIP संचालित पारंपरिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए भी प्रयासरत है। भारत दो परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों चक-3 और चक-4 को पट्टे पर देने हेतु रूस के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें से पहली पनडुब्बी की आपूर्ति वर्ष 2025 तक होने की उम्मीद है। अगर ये आगे और खिंचता है युद्ध तो हो सकता है कि टाइमिंग बढ़ सकती है। अगर हम लोग हथियारों की आयात में विविधता लाने के लिए भारत की योजनाओं की बात करें तो भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में न केवल अन्य देशों में बल्कि घरेलू स्तर पर भी अपने हथियार प्लेटफॉर्म बेस का विस्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अपने भारत में भी अब बनाने पर, एक तरह से स्वदेशी हथियार बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेप्री ने पिछले वर्ष अपनी अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि भारत द्वारा वर्ष 2011 से 2015 और 2016 से 2020 के बीच हथियारों की आयात में 33% की कमी आई है। यानी कि अब आप देखिए कि 33% तक हम लोगों ने कमी की हुई है। और उनका आप देखिए कि एक तरह से विकल्प चुना हुआ है, या तो हम लोग अपने घर में बना रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2011 से लेकर 15 तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन वर्ष 2016 से लेकर 20 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को किए गए हथियारों का आयात पिछले 5 वर्ष की अवधि की तुलना में 46% कम किया था। और जिससे वर्ष 2016 से लेकर 20 में यूएसए भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यानी कि अमेरिका से हमारे हथियार कभी आयात हो रहे हैं। और इसमें आप देखें, 2016 से 20 तक फ्रांस और इजराइल भारत के लिए दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? जैसा कि पाकिस्तान और चीन को भारत बढ़ते खतरे की रूप में देखता है, यानी कि आप देखिए दोनों हमारे पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों की हरकतें किस तरह से हैं, आप सभी लोग वाकिफ हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये चिंता का कारण भी हमारे लिए बना हुआ है। साथ ही भारत की स्वयं की प्रमुख हथियारों का उत्पादन करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसलिए भारत हथियारों की आयात को कम करने हेतु तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। यानी कि हम अपने देश में जब इस तरह के हथियार बनाने लगेंगे तो आयात हम लोग कम ही करेंगे, कम ही खरीदारी करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में लड़ाकू विमानों या वायु रक्षा प्रणालियों, जहाजों और पनडुब्बियों की उत्कृष्ट डिलीवरी के कारण भारत के हथियारों की निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है। और इसलिए भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने आधार में विविधता लाए, किसी एक राष्ट्र पर बहुत अधिक निर्भर ना हो, क्योंकि यह एक ऐसा लेवरेज निर्मित कर सकता है जिसका हथियार आयातक देश द्वारा भारत का शोषण भी किया जा सकता है। और वैसे भी हम देखिए, एक तरह से आप भी जानते हैं कि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें एक तरह से एक ही आदमी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हो सकता है कोई मुसीबत आ जाए,
या वो हमारा शोषण करने लगे, तो हमारे पास विकल्प रहना चाहिए कम से कम। तो यही व्यवस्था है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है रूस के और भारत के संबंधों को बहुत बेहतर तरीके से, इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो आप लोग भी बताइए कि हम लोगों को किसका साथ देना चाहिए, या हमें कोई और बीच का रास्ता निकाल कर यहाँ से शांति बनाए रखना चाहिए, समझ रहे हैं? इससे याद आप सोचिए कि दोनों साथ जाए, यूक्रेन को भी हम लोग साथ दे सकें, और आप देखिए देखिए कि रूस को भी हम लोग एक बनाए रखें, बैलेंस बना के रखें, ठीक है? चलिए, तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, आगे हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, और इस युद्ध का क्या परिणाम होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।